लड़के का फ्रेंडशिप पर चोरी है, उसने फ्रेंडशिप चोरी करके भैया को दिया, भैया तो बड़ी खुश हो गए, बोले बेटा अब कमाना सीख गया, अभी स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही उसने कमाना सीख गया। एक दिन क्या हुआ, मैया तो खुश होगी डांट ले, कुछ दिन बाद में फिर बच्चा ने क्या किया, किसी बच्चे का कॉपी चोरी कर लिया, लेकिन मैया उस समय डांट नहीं लगाई, मैया उसको खुश हो गई, बच्चा तो धीरे धीरे कमाई तो बढ़िया कमाई कर रहा है, पहले पेंसिल चोरी की उसको बाद में फिर कॉपी को चोरी की, मैया डांट नहीं लगाई। एक दिन करते करते एक दिन क्या किया, उसने किसी बच्चा का पुस्तक चोरी कर ली, मैया तो खुश हो गई, अभी पढ़ते पढ़ते बच्चा कमाना शुरू कर दी, मैया डांट नहीं लगाई। ऐसे करते 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 धीरे 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 रुपया पैसा धीरे धीरे चोरी करना शुरू कर दिया, और मैया डांट नहीं लगाती थी, खुश होती थी। ऐसे करते करते उसने बन गया बड़ा डाकू। जब बड़ा डाकू बन गया, एक दिन उसने कहीं बड़े जोर से धापा मारा, बड़ी चोरी किया, चोरी किया तो बस अभी पुलिस को थोड़ा पकड़ा गया। जब पकड़ा गया इसको राज दरबार में लेकर जब गए, राजा ने बोला इसको मृत्युदंड है, फांसी। जब फांसी की दंड हो गया, देखना एक नियम है, फांसी देने से पहले उसको पूछा जाता, अभी तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, बोलो क्या अंतिम इच्छा, बोले मैं अपना मैया से थोड़ा मिलना चाहता हूँ, यही एक अंतिम इच्छा है। बोले मैया कहाँ पर, बोलो अम्बुक स्थान पर। फिर मैया को बुलाया गया, जब मैया को बुलाया गया इतने में उसने बोला मैया तेरे कान में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैया तो खुश हो गई, लगा हुआ कहीं थोड़ा पैसा रखा होगा, पैसा रखा होगा और मरने जा रहा है, मेरे को बोल करके जाएगा, बोले तुम्हारे कान में बोलूँगा। हर मैया जब कान दिखाई ना, उसने एकदम दांत मैंने पकड़ कर कान को काट लिया, सब लोग हाय हाय करने लगे, बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैया के कान काट दिए। इसने कहा आज जो ये फांसी पर मैं झूल रहा हूँ, ये मेरी मैया की दोष है। पहला दिन जब मैंने एक पेंसिल चोरी की, मैया अगर मेरे को एक थप्पड़ लगा देती है, एक थप्पड़ लगा देती, क्यों तुमने बच्चे का पेंसिल चुराया, अगर थप्पड़ लगा देती ना, उसको बाद में क्या होता, मैं कभी पेंसिल चोरी फिर और दोबारा चोरी नहीं करता। फिर जब कापी चोरी की तभी मैया कुछ बोली नहीं, जब पुस्तक चोरी की तब मैया खुश हुई। आज मैं जो इतना बड़ा चोर बन गया और जो फांसी झूलने जा रहा हूँ, ये दोष किसकी है, बोली मैया की दोष है, इसलिए मैया की वजह से आप मैं फांसी झूलने जा रहा हूँ। तब गुरुदेव ये कथा सुना कर कहते थे, बोले देखो पहले जैसे हमारे मंदिर में कोई मोबाइल चोरी हो रही, मंदिर में कोई मोबाइल चोरी हो रही ना, कहीं किसका पैसा रखा होगा वो भी चोरी हो रही, अगर इसी समय में ऐसा अगर देखो जब पाप की घड़ा फूट जाती है ना, पहले तो पता नहीं चलता, लेकिन फूटता है ना पाप की घड़ा, फिर तो कहीं रहने का लायक नहीं रह जाता है। इसलिए एकदम ये चीज़ को मत करो, क्योंकि जब धीरे 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 पाप होते 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 ऐसे करते 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 लास्ट में बड़ा चोर बनता है, क्योंकि उसका डर भय खत्म हो जाता है ना, उसको मोबाइल चोरी कर लिया, वहाँ पकड़ से पैसा चोरी कर लिया, वहाँ से मोबाइल को उठा करके ले गया, फिर क्या होगा हैं, फिर धीरे 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 स्वभाव बढ़ते 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 जाएगा, और ज़्यादा जब पाप हो जाएगा ना बस फिर भाड़ फूटेगी, जब फूटेगी ना फिर फांसी झूलने का समय आ जाएगा। इसलिए कहते साधु सावधान, इसलिए ये सब काम करने से पहले, ये सब काम करने से पहले मंदिर में काम करने से पहले सावधान हो जाओ, कोई भी गलती काम हो हैं, कोई भी गलती काम हो, देखो हम जो कर रहे हैं ना ठाकुर देख रहे हैं, जैसे हम किसी दूसरे से हमने छुपा ली, लेकिन ठाकुर से तो छुपा नहीं पाएंगे ना, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर, ठाकुर तो देख रहे हैं, तो देखते 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 क्या होगा, बाहर बाहर फूटेगा लास्ट में, फूटेगा तो फिर क्या होगा, जेल जा करके जेल में बैठोगे, जा करके जेल में बैठेंगे। वो आया था ना एक बच्चा यहाँ पर पैसा चोरी की किया था ना, जेल में जाकर 5 साल ना, कितना साल तक जेल में रहा बच्चा, क्योंकि यहाँ से चोरी करके दूसरे जगह से चोरी की, तीसरे जगह से चोरी की, 5 साल तक जेल काटना पड़ा उसको। इसलिए मंदिर में सब सावधान, कोई भी चीज़ को हाथ मत लगाया करो,
भगवान से ठग नहीं सकते हैं, ठाकुर को कोई ठग नहीं सकते। लास्ट में जब जेल में जाकर बैठेंगे ना, सारे निकल जाएगा, सारे जो कुछ कर। इसलिए मंदिर में कोई भी चीज को है बिना बोले लेना उसको चोरी कहते हैं, बिना बोले किसी चीज को उठाना उसको चोरी कहते हैं। इसलिए कभी भी ये सब काम को नहीं करनी चाहिए। इसलिए कोई भी पाप कर्म कर रहे हो, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। इसलिए धीरे धीरे सावधान हो जाओ, हैं। फिर ये कभी भी ये काम मत किया करो, नहीं तो फिर इसका दंड बहुत बड़ा दंड है। अच्छा मुरारी बुआ इधर आ जाओ, बोल दो 10 मिनट बोल दो। केशव, ओ आदि केशव, इधर आ। जो प्रसाद बना होगा ना, जो आज बोल मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यत्पाद पंकज नख चंद्र मणि छटाया विस्फुरजितम किमपि गोपवधो स्वदर्शी पुनरुराग रस सागर सार मूर्ति तमराधिका चरण रेणु मनो स्मरामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष्यमत भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित ओम विष्णुपाद भक्ति प्रधान श्रीधर महाराज के चरण कमल में यथायोग दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद प्रमुख प्रभु के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव एवं वैष्णियों को यथायोग दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग महाराज से कल श्रवण कर रहे थे किस तरह से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उत्तरा के गर्भ पे परीक्षित जो उनके अंतिम पांडवों और कौरवों की अंतिम जो बीज बचे हुए थे उसके गर्भ में पल रहे थे उसके ऊपर उसको नष्ट करने के लिए कि वंशी खत्म हो जाए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र जो है इसको काट पाना किसी के बस की बात नहीं थी। ब्रह्मास्त्र को शांत कर दे इसका तोड़ ही कोई नहीं था, फिर भी भगवान ने क्या किया अपनी माया की कवच उस पर ढक दिया और अंगूठे के रूप में हो करके वही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और वहाँ अपने दिव्य गदा की जो प्रकाश से चारों तरफ घूम घूम के उनकी रक्षा की। क्योंकि भगवान जिसको करना चाहते हैं संसार में कौन शक्ति है जो शक्ति क्या कर सकती है, वो जिसको भगवान रक्षा करना चाहे उनको मार सके। इसलिए भगवान ये चाहते थे कि पांडव और कौरवों का वंश विद्यमान रहे। आगे यही परीक्षित के माध्यम से भागवत प्रकाशित होना है, इस कारण भगवान ने उनकी रक्षा की। इधर युद्ध हो ये चाहते थे ये लड़ाई ना हो। किस तरह से ये विदुर नीति जो धृतराष्ट्र को उपदेश किया बताया ये विदुर नीति नाम से जो प्रचलित है शास्त्रों में वर्णन है वो का जब समझा रहे थे विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे थे कि ये आपका दुर्योधन पुत्र है ये समस्त अनर्थों का कारण ये है। इस कारण ये महाराज आप जो सब कुछ खो बैठेंगे। जिस तरह से बांस के जंगलों में बांस क्या होता है अपने में टक्कर खा के अग्नि उत्पन्न होती है और समस्त जंगल बांस के समूह को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जो है
इसके रगड़ से, अपने में रगड़ से ऐसी अग्नि उत्पन्न होगी कि सब नष्ट हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। इस तरह से कि आप ऐसा करिए कि इसको परित्याग कर दीजिए, इसको आप सजा दीजिए, दंड दीजिए, कारागार में डाल दीजिए, इसकी आप मन सुनिए, इसके हाँ में हाँ मत मिलाइए। लेकिन जो धृतराष्ट्र हैं, ये पुत्र मोह में अंधे हो रहे थे। कहीं ना कहीं से इच्छा थी कि जो कौरव हैं, दुर्योधन इत्यादि हैं, ये हमारे पुत्र हैं, और जो पांडव जो हैं ये पराये हैं, जितना धन संपदा इत्यादि है सब दुर्योधन को मिले, ते विदुर कह रहे थे। तो इधर दुशासन, दुर्योधन इत्यादि जो थे, इन्होंने बोला, कर्ण सबने बोला कि दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? ये दासी पुत्र एक तो हमारे टुकड़े पे पलता है, दासी पुत्र विदुर यानी मांडव ऋषि के श्राप था, इस कारण दासी के रूप में आए। तो कहे कि किसने बुलाया, जहाँ जिस हमने इसको आश्रय दिया, जिस घर में जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये दासी पुत्र को जान तो मत लो, लेकिन इसको जो है इस राज से निकाल दो बाहर। इस तरह से विदुर जी बहुत ही अपमानित हो गए और तीर्थ भ्रमण के लिए वो चले गए वहाँ से। उसके बाद जो है ऐसी जो विपरीत बुद्धि हो गई सबकी, तब से किसी को सुनने वाला नहीं। विदुर एक चिंतक थे, उसको भी राय से निकाल दिया। इस कारण ये जो है इसमें ऐसे अंतिम में कोई विकल्प नहीं बचा, एक युद्ध ही विकल्प बचा। इस तरह से युद्ध हुआ, उसके बाद महाराज ने सुनाया किस तरह से अंतिम युद्ध में जो अश्वत्थामा ने पांडवों को जो परीक्षित पल रहे थे उनको भी नष्ट करना चाहता था, लेकिन भगवान ने उनको बचा लिया। इसके बाद भगवान द्वारिका जाने, पांडव का जो राज तिलक इत्यादि किया युधिष्ठिर महाराज को, उधर दूसरी तरफ जो भीष्म जी हैं वो शेषय्या पर पड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र में, बहुत कई दिन हो गया वैसे पड़े हुए हैं। भीष्म जी 10 दिन युद्ध किए थे कौरवों की तरफ से, सेनापति 10वें दिन उनका वो शेषय्या पर मरे, गिरे, मरे नहीं पड़ा, उनकी तो इच्छा मृत्यु थी। उसके बाद सेनापति द्रोणाचार्य हुए, फिर कर्ण हुआ, लास्ट में अश्वत्थामा को बनाया जो द्रौपदी को पुत्रों को मारा था। फिर जो है इधर क्या हुआ, इधर जो है शेषय्या पर पड़े हुए हैं भीष्म जी, अब इधर उत्तरायण की चिंता कर रहे हैं, जब उत्तरायण आएगा वो शरीर त्याग करेंगे। उत्तरायण अर्थात जनवरी के 11 तारीख से जून का 22 और 23 तारीख तक जो होता है उसको उत्तरायण बोलते हैं। तो ये आने की वो अपेक्षा कर रहे थे, जब ही वो शरीर छोड़ूंगा। उस समय जो युधिष्ठिर आदि सब भाई, द्रौपदी, जो कुछ भी थे, कौरव इत्यादि भी जो बचे हुए थे, सब वहाँ मिलने गए, कहाँ, भीष्म जी से। वहाँ भीष्म जी ने, वहाँ श्री कृष्ण भी हैं, अभी द्वारिका गमन नहीं किया, अभी वहाँ गए हैं। उस समय उत्तरायण आ गया, वहाँ अनेक अनेक ऋषि महर्षि भी उत्पन्न हुए, क्योंकि भीष्म कौन है, भीष्म जो है द्वादश महाजन में से एक हैं, शंभु, नारद, शंभु, कुपाल, कुमार, कपिलो, मनु, पहलादो, जनको, भीष्म। भीष्म जो है ये द्वादश महाजन में एक हैं, ये भी पला जो जनको भीष्म बलि व्यासी की व्यम द्वादश जानिमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम ये गत्वा अमृत असुनते, बोल रहे ना कि जो ये द्वादश महाजन है भागवत को अर्थ को जानने वाले हैं। तो भीष्म जी हैं जो भागवत को अर्थ को जानने वाले हैं, इन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा वहाँ उपदेश किया। इसके बाद कृष्ण की स्तुति की, उसमें कृष्ण की बाल लीला से लेकर के भीष्म जी रासलीला में सबका स्तुति की, ज्ञानी भक्त हैं रासलीला की स्तुति कर रहे हैं। एक सुनाता हूँ, बोले हैं, ललित गति विलास गलगु हास प्रयन निक्षल कल्प तरुमाना कीर्त मनु कीर्तवत उन्माद अंधा कीर्ति गोप बधुआ, ऐसे करके है गोप बधुआ, बोल रहे हैं भीष्म जी स्तुति कर रहे हैं। बताओ ज्ञानी भक्त कह रहे हैं कि जिसकी लटकती हुई चाल, जिसकी मधुर चितवन, जिसकी मधुर मधुर मुस्कान, जिससे जो है जब वो रासलीला में अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियों ने उनकी लीलाओं को अनुकरण किया
और अनुकरण करते हुए उन्मत्त हो गई, उस कृष्ण के प्रति मेरा प्रीति हो। विष्णु कह रहे हैं वैसे कृष्ण के प्रति मेरा प्रीति हो। यहाँ बोल रहे हैं कि ललित गली बिलास गलु हास जिसके मधुर मधुर मुस्कान। यहाँ विष्णु जी स्तुति कर रहे हैं जब कृष्ण अंतर्ध्यान हुए रासलीला में, यहाँ बता रहे हैं, तो गोपियों ने उन्मत्त को इतना विरह उसको प्राप्त हुआ। दुसह विरह तीव्रताप धुता सब ध्यान प्राप्त अच्युता श्लेष निवृत्ति छिन्न मंगल तमेव शरणम। इस श्लोक में बता रहे हैं कि इतना उनको तीव्र विरह हुआ जिस कारण जो है अपने को धैर्य धारण न कर पाई गोपिया। इस कारण जो एक गोपी क्या बनी, पुतना बनी, एक उसके स्तन को पान करने लगी, एक जो है जो सकटा सकट बनी है दूसरा जाके उलाट दिया उसको। इस तरह से जो है एक जो है अपने दुपाट्टा को ऊपर कर लिया और दूसरी जो जो गिरदा धारण कर लीला के अभिनय कर रही है। इस तरह से समस्त कृष्ण की लीलाओं को अभिनय करने लगी। जब रासलीला में गोपियां कृष्ण को अंतर्ध्यान किए हुए प्रसमाय प्रसादाय तत्र देव अंतर्दीयते, जो ये जानते थे कृष्ण कि इनकी उत्कंठा को अगर बढ़ाना है, क्योंकि जो विप्लम जो के बाद जो मिलन होता है उसमें आस्वादन ज्यादा होता है। यद्यपि गोपियां इत्यादि हैं, इनका जो है अपना कोई स्वार्थ नहीं है, प्रेम किसका नाम है, प्रेम है देने का नाम, प्रेमी संतुष्ट हो, निज स्वार्थ उसमें नहीं रहता है, देने का नाम। निजांग पिया गोप्य माम अहम इति उपासते तमाम न तमानम प्रिय पार्थ निर्गुण प्रेम भाजनम। बोल रहे हैं कि जो गोपियां श्रृंगार इत्यादि करती हैं वो भी मेरे खुशी के लिए, श्रृंगार इत्यादि सहित समर्थी है इत्यादि ये भी है पार्थ अर्जुन ये मेरे खुशी के लिए करती है, सब कुछ उनके लिए कृष्ण के लिए समर्पित है। फिर भी जो है कृष्ण यहाँ अंतर्ध्यान हो रहे हैं, ये भी अंतर्ध्यान हो रहे हैं किस लिए, गोपियों की और उत्कंठा बढ़ाने के लिए। इस तरह से यहाँ विष्णु जी बोल रहे हैं कि जो गोपियाँ जा रही हैं ढूंढ रही हैं, ढूंढते ढूंढते उन्होंने चरण चिन्ह देखा तो उसमें देख रहे कि अनराधित नूनम भगवान हरीश्वर इन्यो बिहाय गोविंदो पीतो यावन अनद्रह। इसमें बोले कि कौन है वो गोपी, कौन है ये सौभाग्यशाली, कौन है जिसने कृष्ण की इतनी आराधना की है जिस कारण हमको छोड़ के उनको लेके गए हैं। इस तरह से गोपियाँ कर रही हैं। वहाँ जो कृष्ण के जो चरण चिन्ह उन्होंने देखा उसमें 19 जो चिन्ह हैं इसका थोड़ा समय बता देता हूँ जैसे गुरुदेव से सुना है कैसे है। कृष्ण के दाएं चरण में अंगूठे के नीचे चक्र है, मध्यम अंगुली के अंगूठे के नीचे है कमल, छोटे अंगुली के अंगूठे के नीचे है ध्वजा, ध्वजा के नीचे थोड़ा बीच की ओर वहाँ है वज्र का चिन्ह, इस तरफ जो अंगूठे के ज्वाइंट में है जौ, ज्वाइंट से अंगूठे के ज्वाइंट से नीचे छत्र, उसके बाद जो है मध्यम अंगुली, मध्यम अंगुली से नीचे जा रही है सीधा स्ट्रेट लाइन ऊर्ध्वरेखा, एड़ी में अष्टकोण, अष्टकोण के चारों ओर चरसस्ती, इसके पीछे पीछे जम्बूपल, ये है बाएं चरण, दाएं चरण, दाएं चरण। बाएं में है, बाएं में अंगूठे के नीचे शंख, मध्यम अंगुली के अंगूठे के नीचे अंबर, अंबर के नीचे है धनुष, धनुष नीचे थोड़ा बीच की ओर है गाय का खुर, इसके नीचे है त्रिकोण, त्रिकोण के नीचे चारों ओर चार कलश, इसके नीचे और चंद्र, इसके नीचे मीन, ये 19 चिन्ह अंकुश में लेफ्ट में राइट में ऐसे चिन्ह है। राजा जी में कैसे है, राजा जी में दाएं चरण में अंगूठे नीचे है शंख, मध्यम अंगुली के अंगूठे के नीचे है पर्वत, छोटे अंगुली के अंगूठे के नीचे है बेदी, इधर जो है शंख के नीचे है गदा, गदा के नीचे है रथ, बेदी के नीचे है कुंडल, कुंडल के नीचे शक्ति, शक्ति के नीचे एड़ी में है क्या मछली, राइट में जो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में ज्यादा है कृष्ण के राइट में ज्यादा, राधा जी के लेफ्ट में ज्यादा, लेफ्ट में देखो लेफ्ट में है अंगूठे के नीचे है जौ का चिन्ह, जौ के नीचे है चक्र, बड़े अंगूठे के ज्वाइंट से जा रही है स्ट्रेट लाइन ऊर्ध्वरेखा, और जो मध्यम अंगुली के अंगूठे के नीचे है कमल, छोटे अंगुली के अंगूठे के नीचे है
अंकुश, इसमें इधर जो है जो चक्र के नीचे है छत्र, कमल के नीचे है ध्वजा, फिर ध्वजा के नीचे है बल्ली, और जो छत्र के नीचे है बलय, इसके नीचे एणी में है पुष्प, पुष्प इसके नीचे है और चंद्र, ये जो राधा और कृष्ण का चरण चिन्ह है। इसमें राधा और कृष्ण के चरण चिन्ह दोनों महापर्व में एक साथ 19 दुनिया 38 में जो 10 जो ऐसा चिन्ह है जो कृष्ण में है राधा जी में कॉमन है, इसलिए 28 के अलावा 4 चिन्ह और महाप्रभु में, दंड, कमंडलू, माला और कुश, ये 4 चिन्ह महाप्रभु में, ये सब दिखाया। ये गुरुदेव से मैं याद जैसे किया तो मेरा कोई बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, इसको ध्यान करना पड़ता है, ऐसे याद होगा नहीं, इधर से उधर हो जाता है। तो जो है इस तरह से जब देखा चिन्हों को देखा उन्होंने तो ये समझ गई, क्योंकि ललिता विशाखा विशेष रूप से समझ गई कि ये जो क्या है ये वही गोपी हैं, इस कारण उनको ये उठा के एकांत में ले गए हैं। इस तरह से जब ये देखा इस कारण कृष्ण के में इतने तन्मय हो गई, इतने तन्मय हो गई कि हमारे सौभाग्य उनकी स्वभाव की तुलना नहीं, इनको भी अभिमान हो गया था शुरू में, इन लोगों को भी अभिमान हो गया था कि कृष्ण क्या करते हैं सबके साथ हैं, लेकिन राधा रानी जब लेके गए ये सौभाग्य मग को तोड़ने के लिए, क्योंकि राशेश्वरी कौन है, श्रीमती राधा हैं, इस कारण श्रीमती राधा राशेश्वरी हैं, इसके बिना रास नहीं है, इस कारण वो लेके गए। ये सब स्तुति भीष्म जी ने किया है, सारा स्तुति भीष्म जी ने किया है। किस तरह से ऐसा, मतलब कि कोई बोल रहे थे ज्ञानी भक्त हैं ऐसी स्तुति क्यों कर रहे हैं भीष्म जी, तो कोई दोष थोड़ी है, दोष ऐसा नहीं है, जो नीचे की भक्त भी जो है वो यहाँ सुखदेव जी पाठ कर रहे हैं बैठ के, ये मधुरा से कथाएं बोल रहे हैं, वहां भी सब तरह के लोग बैठे हैं, दोष ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो इस कारण जो है यहाँ जो राधा और कृष्ण ये दोनों का प्रेम जो है नित्य सिद्ध है, इसमें राधा जी अगर अनेक अनेक रूप रचती है कृष्ण के आनंद देने के लिए, कभी कृष्ण से रूठ बैठती है कृष्ण को आनंद देने के लिए, जो इसमें बता रहा था इन लोगों के स्वतंत्र रूप से मिलने का कोई होता ही नहीं। सकिर स्वभाव तथ्य कथन, कृष्ण संग नित्य लीला नहीं सखी मन, कृष्ण संग राधिकार लीला जे कराय, निज के लिए है ते तार कोटि थुक पाय, राधर स्वरूप कृष्ण कल्प तरु लाता, सखी गण है तार पुष्प पल्लव पुष्प पाता, कृष्ण लीला मृत यदि लाता के सिंचय, निज के लिए है ते पल्लव कोटि सुख है। चतन चौथा बोल रहे हैं कि जो सखी के स्वभाव है कि राधा कृष्ण को मिलाने में उसको संतुष्टि होती है, ये स्वार्थ नहीं है, ये तो विशुद्ध प्रेम है। ये किस तरह से लता को उदाहरण देके बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में समझाया है। तो इस तरह से अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं, कैसे टाइम समय हो गया। तो जो राधा और कृष्ण इनका जो है प्रेम नित्य सिद्ध है, कभी कृष्ण का प्रेम ज्यादा होता है, कभी राधा का प्रेम ज्यादा होता है, लेकिन जो है दोनों एक की संतुष्टि, बीवीओपी कल्याम सदा विवृद्धिम गुरु रूपी गौरम चर्या विहीना मोह अपी चित्तम विक्री अपी शुद्धो जयति मुर्द्वेशी राधिका अनुराग। कि जो राधा जी के प्रेम क्या है, मोह अपी विभू अपी कल्याम श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ होने पर भी जो चर्या विहीना, जो मतलब खूब उसमें अभिमान नहीं है, दीनता भाव है कि हम जो ना प्रेम गंधो अस्ति दरापि में हरो करदामी सौभाग भरम प्रकाशितम बंसी विलासी आनंद लोकनम बिना विधर्मी एत प्राण पतंकान विथा। श्री महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं जो क्या है मेरे में प्रेम का गंध भी नहीं है, लेकिन जो मैं भाव प्रकाश कर रहा हूँ, ये मैं जो सौभाग, ये जो मैं अपने सौभाग प्रकाशित कर रहा हूँ, ये मेरे कुछ है नहीं दिखाने के लिए, मैं भाव प्रकाशित कर रहा हूँ। आज जो राधा कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम नहीं है, फिर भी मैं प्राण धारण कर रहा हूँ, प्राण पतंकान विथा, ये विथा ही है धारण करना, जो प्राण धारण करना विथा है। और अनेक अनेक ऐसे हैं राधा जी बोल रही हैं कि क्या
ये बोल रहे हैं कि जो मेरे अंदर भी प्रेम का गंध नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है, इस कारण जो कृष्ण कृष्ण जो हैं मेरे अंदर प्रेम की गंध नहीं है, कृष्ण अगर मेरे से रूठ ही गए हैं तो क्या करना। अकारुणे कृष्ण दि त्वाम कथम इदम मुधा माम रोधिर में परमी माँ उत्तर कृतिम तमाल स्कंदे विनित भुजा बलरियम यद बिंदारण चिरण विशाल तिष्ठति चलू। बोल रहे हैं कि अगर कृष्ण हे ललते, अगर जो कृष्ण हमसे रूठ ही गए हैं तो इसमें उनका क्या दोष है, यहाँ हमारा ही अंदर जो प्रेम के गंध भी नहीं है, इसलिए क्या करना। जब मैं शरीर तो धारण करूंगी नहीं, अगर शरीर को छोड़ दूंगी तो जो तमाल के जो पिन है तमाल इसमें मेरे को करना, उसको तमाल में मेरे शरीर को बांध देना ताकि चिरकाल तक क्या है ये शरीर वृंदावन में ही पड़ा रहे। तमाल कृष्ण का स्वरूप है, इस कारण ये बोल रही है। तो जो ये प्रेम है दीनता को प्रकाशित कर रहा है, जिसके अंदर प्रेम है कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो अहंकार को नहीं प्रकाश, हम पूरे प्रेम करते हैं, तुम कौन होते हो प्रेम को करने वाले। वो जो है जितने प्रेम बढ़ेगा, जितने हमारी भक्ति बढ़ेगी, उतनी ही दीनता प्रकाशित होगी। तो यही जो भीष्म जी का श्लोक है, यही मैं समाप्त करता हूँ। अभी आगे कंटिन्यू करेंगे कैसे द्वारिका गमन, जो किस तरह से जो परीक्षित महाराज को श्राप मिला है, सब कभी फिर कंटिन्यू कर। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयोश्च पतानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। बोलोगे आ जाओ, तुम आ जाओ। हाँ, क्या क्या तुम तैयार क्या किया, फिर टिकल बोलना ठीक है। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरामधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीयाद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे बोलो। इसलिए श्रोता और वक्ता की महिमा को हम श्रवण कर रहे थे। श्रोता जैसे वक्ता भी वैसे, दोनों किसी चीज में कमी नहीं। अभी कृष्णा हस्तिनापुर में हैं। जब जब कृष्णा कभी जाने के लिए कभी तैयारी होते थे अपना द्वारका में, ये पांडवों ने कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे। जैसे कृष्ण जाने के लिए तैयारी हो, इतने में युधिष्ठिर महाराज आकर बोलते थे, बोले देखो प्रभु आप तो जब जब विपत्ति पड़ी तब तब हमारे साथ में रहे, हर विपत्तियों से उधार किया, अभी संपत्ति आ गई, कम से कम कुछ दिन रुक करके हमारी सेवा तो ग्रहण कर लो, कुछ दिन और रुक जा। अभी कृष्णा कुछ दिन रुक जाते हैं, जब पहले जाने के लिए तैयारी होते हैं ना, फिर भीम आ जाता है, कहते क्या बड़े भैया की बात रखा करोगे, हमारी बात नहीं रखा करेंगे। इसलिए अगर हमें भी सुख देने के लिए और कुछ दिन रुक जाओ, फिर जब जाने के लिए तैयारी होते फिर अर्जुन आ जाता है, कहते क्या भीमसेन बड़े भैया की बात रखा करोगे, हमारे कृष्ण को किसी तरह से वहाँ जाने नहीं देते, कभी जाने ही नहीं देते वहाँ से। इसलिए एक दिन मैया कुंती ने आकर के हैं भगवान की जो विभूति को उन्होंने दर्शन किया,
कृष्ण की विभूतियों को दर्शन करते हुए मैया स्तुति कर रहे हैं। बोले नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम मिसरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। स्तुति करते हुए तो बोले नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, बोले प्रभु आपको मैं नमस्कार करता हूँ। बोले मेरे को क्यों नमस्कार करते? बोले आप पुरुष हो, आप पुरुष हो। बोले जगत में तो बहुत सारे पुरुष हैं, जगत में तो बहुत सारे पुरुष हैं, इसलिए कहते प्रभु पुरुष होने पर आप कौन हैं? तू आदि ईश्वरम, आप आदि ईश्वर हो। कहते ना ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनादिर आदि गोविंद सर्व कारणम कारणम। तो यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, बोले भैया यहाँ पर ईश्वर जो शब्द है, यह इंद्र के लिए भी कभी कभी ईश्वर शब्द प्रयोग होता है, कभी कभी राजा के लिए भी ईश्वर शब्द प्रयोग होता है, क्या कृष्ण ऐसे हैं? बोले नहीं, आप प्रकृति है पर, आप प्रकृति से, ये जितने हैं ईश्वर ये प्रकृति के अंतर्गत है, लेकिन आप कौन हो? बोले प्रकृति परम, ये प्रकृति दैव जैसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एवं जय प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंति। दूसरे दूसरे जो ईश्वर है वो सब के सब माया के अधीन हैं, लेकिन आप कौन हो? ये माया से आप अतीत हो, इसलिए अलख्यम सर्वभूतानाम। कहते आपको पाना कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए आपको पाना कोई साधारण बात नहीं, आपको पाना इसलिए अब अंतर बहिरवस्थितम। कहते एक में तो श्री उतारा जी की गर्भ में भी आप विद्यमान हो, और एक स्वरूप में आप हम लोगों को पास में भी आप विद्यमान हो। इसलिए भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर कुंती मैया ने स्तुति करते हुए कहती हैं, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्णाय, कर जगत में ये कृष्ण को जो भजन करते हैं वो बड़े सौभाग्यवान हैं। साधारण व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर ही नहीं सकते, बड़े पुण्यात्मा भगवान कृष्ण को भक्ति कर सकते हैं, हैं? क्योंकि कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृता है, और जो कृष्ण है ये कौन है? इत चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जो दूसरे दूसरे इनकी अब बता रहे हैं, इसलिए कहते कृष्णाय, जो कृष्ण को उपासना करते हैं वो बड़े सौभाग्यवान है। बोले वासुदेवाय, लेकिन कृष्ण को भक्ति करने वाले तो सौभाग्यवान, लेकिन उनसे भी एक सौभाग्यवान है कौन? बोले वसुदेव महाराज। बोले क्यों? बोले आप तो जगतपति जगन्नाथ हो, विश्व ब्रह्मांड का पति, तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। लेकिन होते हुए भी दुनिया का पिता आप, लेकिन पिता रूप में आप किसको स्वीकार किया? बोले श्री वसुदेव महाराज को। जगतपति होकर के भी, जगत पिता होते हुए भी वसुदेव महाराज को पिता रूप में स्वीकार किए। बोले उनसे भी एक श्रेष्ठ भक्त, बोले कौन? बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, हैं? कहते भगवान जब आए विश्व ब्रह्मांड तो कृष्ण के उदर के अंदर, पेट के अंदर में, लेकिन जब भगवान आए किसके पेट में आए? कहते माता देवकी के गर्भों का आश्रय करते हुए आए। इसलिए यह कहते माता जी से ज्यादा सौभाग्यवान नहीं, पिता जी से ज्यादा सौभाग्यवान माता। क्यों? बच्चे को जो गर्भ में धारण करती हैं, हैं, ये ज्यादा सौभाग्यवान वसुदेव महाराज से भी। बोले उनसे ज्यादा सौभाग्यवान क्या है? नंद गोप कुमाराय, कृष्ण तो मथुरा में कंस के कारागार में तो प्रकट हुए हैं, लेकिन उनको पलना में झुलाया किसने? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदस्तु आत्मद जाता लादा महामना। इसलिए लेकिन उनको अंगुल पकड़ करके ठुमक ठुमक करके चलाया किसने? गोद में बैठा कर दूध किसने पिलाया? हैं? कहते इनको डांट डपड़ा कौन, उनका शासन कौन किया? कहते ये बात्सल्य रस को कौन आस्वादन करती हैं? बोले नंद गोप, ये नंद बाबा उनसे भी ज्यादा सौभाग्यवान। लेकिन
नंद गोप कुमार आय, लेकिन उनसे ज्यादा सौभाग्यवान कौन है, कहते ये ब्रज की गोपियां हैं, क्योंकि जो रासलीला है, जय जय रासलीला सर्वरस सार, इसलिए जो रासों में है रास किसको साथ में उन्होंने किया है, भले ये ब्रज गोपियों को साथ में कृष्ण रास किया। और जहां पर कृष्ण कहते हैं ना पा रहे अहम निरबद्ध संजुजाम, हे गोपियां तुम लोगों ने मेरे लिए जो त्याग की, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी तुम्हारी ऋणी से कभी मैं उऋणी बनी नहीं सकता हूँ, इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्त ब्रज गोपियां। लेकिन ये गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, बोले गोविंदाय नमो नमः। इसलिए इंद्र ने उनका एक नाम रखा गोविंद, गो मतलब होता है इंद्रियां और बिंदति मतलब आनंद है थी। कृष्ण यद्यपि सभी की इंद्रियों को आनंद दिए हैं, लेकिन वो परिपूर्ण रूप में किसको आनंद दिए, बोले राधा रानी को। इसलिए कहते सर्व गोपेश उसे वैक्या विष्णु रतंत बल्लवा, जिन गोपियां इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन गोपियां किसकी उपासना करती हैं, बोले श्रीमती राधा रानी को। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए यहाँ पर श्री मैया कुंती ये बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात बताती हैं। धीरे 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 करते करते उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भक्ति किसकी, बोले श्रीमती राधा रानी की, कहते इसमें ये एक अर्थ है। लेकिन कभी कभी इसकी एक दूसरा अर्थ है, इसका दूसरा एक अर्थ है, ये है दूसरा अर्थ है इसमें, कहते हैं कहते इसमें श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को यहाँ स्थापन करते हैं, बोले कृष्ण कौन है, हैं जो भागवत डायरेक्ट पढ़ते हैं उनको बोलो कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, सीधा बोले मथुरा में हुए, हैं ये मथुरा में हुए कृष्ण, इसलिए ये वसुदेव नंदन, क्यों ये श्लोक में डायरेक्ट बताया कृष्णा या वासुदेवा है, इसी श्लोक को ज़्यादा करके जो मथुरावासी जो पंडित है, साधारण जो पंडित है, इसी श्लोक में सबसे ज़्यादा जोर इसी श्लोक में देते हैं कृष्ण वसुदेव नंदन रूप में। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोक को, ए तुम से ठीक है बसो आगरा से बस बोलना, सब काम चोरों को डाको, ए वहाँ वृंदावन वहाँ किसी बोले इधर इधर आके बैठो पीछे, जब गुरुदेव होते थे ना, गुरुदेव जब मथुरा में गुरुदेव होते थे हैं, जब गुरुदेव कथा करते थे, गुरुदेव किसको पीछे बैठने नहीं देते थे, गुरुदेव खुद कहते थे, बोले देखो जब गुरुदेव हरी कथा बोलते हैं, क्या हो, इसलिए गुरुदेव कहते जब हरी कथा होता है, जब हम सामने बैठते हैं, कहते वो जो हमारे ऊपर जो दृष्टि जो देखते हैं, वो एक दिव्य शक्ति निश्चित होता है। गुरुदेव खुद किसी को भी पीछे गुरुदेव बैठने नहीं देते, बोले दृष्टि को द्वारा ही गुरु वैष्णव, जैसे मछली है बताए ना, जैसे मछली क्या करता है, बच्चों को देख देख कर पालती है, मछली क्या अपना बच्चों को दूध पिलाती है, दूध नहीं पिलाती, वो देख देख कर, हाँ कहते वो देख देख कर वो दृष्टि से ही क्या करती हैं, अपना बच्चों को पालना करती हैं। कछुआ क्या करते हैं, चिंतन के द्वारा करती है, पक्षी की क्या करते, स्पर्श के द्वारा करती है, इसलिए गुरुदेव एकदम पसंद नहीं करते थे, सब कोई पीछे नहीं आ गया क्या बैठे, इसके सामने तुम लोग ना एकदम ढीठ बन गए, जैसे जैसे घड़ा होता ना, हाँ चिकनी चिकनी घड़ा होती है, इधर खर यार सटी गई अगुआ से बस छिड़ा जाओ, इधर इधर माने बैठो आगे आकर बैठो ना, यहाँ किसी भी जगह पड़ा हो। अरे इसलिए यहाँ पर कहते, यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हैं कहते ये श्लोक ज्यादा लोग इसी श्लोक पर ज्यादा जोर देते हैं कृष्णाय वासुदेवाय, ये वसुदेव नंदन है। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती इसका श्लोक को उन्होंने व्याख्या किए, बोले यहाँ पर जो कृष्णाय वासुदेवाय, यहाँ पर जो वसुदेव का नाम लिया है, लेकिन कौन वसुदेव का नाम लिया, बोले आठ वसु हैं, आठ वसुओं में जो सर्वश्रेष्ठ वसु है, जो सर्वश्रेष्ठ वसु उसने क्या किया, उन्होंने वात्सल्य रस को आस्वादन करने के लिए हैं, जब नंद बाबा ने जन्म ग्रहण किए, कहते वो वसुदेव, वो वसु ने श्री नंद बाबा को आश्रय करते हुए आए, जैसे द्रोण और धरा, जैसे द्रोण और धरा इन लोगों ने क्या किया, जैसे श्री द्रोण ने श्री नंद बाबा को आश्रय ग्रहण किया और धरा ने माँ जसोदा को, हैं जब जसोदा और श्री
नंद बाबा वात्सल्य रस को आस्वादन की और उन लोगों ने अनुसंग रूप में ही ये वात्सल्य रस को उन्होंने आस्वादन कर लिया अनुसंग रूप में। कहते उसी तरह श्री बसु ने जो 8 बसु में जो सर्वश्रेष्ठ बसु उसने वात्सल्य रस आस्वादन करने के लिए नंद बाबा में तदात्म होकर के जन्म हुए। इसलिए यहाँ पर जो वासुदेव शब्द कहते हैं, कहते किसके लिए कहते वासुदेव, बोले श्री नंद बाबा के लिए, यहाँ वसुदेव के लिए नहीं है। वसुदेव के लिए एक अर्थ वसुदेव ले सकते हो, लेकिन मुख्य रूप में यहाँ पर श्री किसके लिए कहते, श्री नंद बाबा के लिए। कृष्णाय वासुदेव आय, फिर यहाँ पर देवकी शब्द आया, फिर आप क्या करोगे, देवकी का नाम तो लिया फिर यहाँ। हाँ, इसलिए बोले दो नामनी जसोदायाम, कहते जसोदा का दो नाम था, कहते एक नाम है इनकी जसोदा और एक नाम इनकी देवकी, दो नाम जसोदा की। इसलिए यहाँ पर जो जसोदा शब्द देवकी शब्द बताया किसके लिए बताया, कहते जसोदा के लिए बताया। आप लोग बोलेंगे आप तो खेच खाच के रखते कर रहे हो कोई कोई बोलेगा ना, देखो ये चीज अच्छे तरह समझ लो, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव का एक गहरा तत्व है। कल मैं सबको पूछूंगा, देखूंगा कौन बोल पाता है, ठीक है, कल मैं सबको पूछूंगा। आप बोलोगे तो आप खेच खाच करके अर्थों को तोड़ मोड़ करके हैं, ये अर्थों को तोड़ मोड़ करके खेच खाच करके आप किसमें जोर जबरदस्ती लगा रहे हो, कहते जोर जबरदस्ती आप कर रहे हो, ये कृष्ण जसोदा नंदन नंद नंदन। फिर उसको क्लियर करते हैं आगे, बोले नंद गोप कुमार आय है। अगर पहले शब्द अगर तुम बोलोगे तोड़ ताड़ करके तो यहाँ पर क्लियर किया करते, बोले नंद गोप कुमार आय, कृष्ण कौन है, नंद गोप कुमार नंद के लालाए। इसलिए नंदस्तु आत्मज जाता लाद महामना, इसलिए जब श्री नंदस्तु आत्मज, कृष्ण कौन है, नंद के लालाए। इसलिए कृष्ण जन्म लेने पर श्री नंद बाबा ने बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए हैं। इसलिए लास्ट में फिर क्या कहते हैं, नंद गोप कुमार आय गोविंदाय नमो नमो। ये जो गोविंद शब्द है, गो मतलब इंद्रिया, बिंदती मतलब जो राधा रानी की गोपियों की संपूर्ण इंद्रियों को जो आनंद देने वाले कौन है, श्री गोविंद है। उसको बाद में कहते हैं, बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। यहाँ पर भगवान को सारे कमल 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 को साथ में उदाहरण देते हैं, हैं? भगवान के शरीर में 8 कमल है, 2 नेत्र कमल है, 1 मुख कमल है, 2 चरण कमल है, 1 नाभि कमल है और 2 हस्त कमल है, कितना हो गया। हाँ, कहते भगवान के शरीर में ये 8 कमल है, इसलिए भगवान के सारे इंद्रियों को यहाँ कमल 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 साथ में कहते ना, निताय पद कमल कोटि चंद्र सोशीतल जे छाया जगत जो राय। इसलिए सब भगवान के सारे हैं चरण को कमल कमल को साथ में उदाहरण देते हैं, हैं? इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चकुर ठाकुर कहते हैं ये कमलों को साथ में क्यों उदाहरण देते हैं, बोले इसका कारण बताए, बोले जो कमल है ना वो देखने में बड़ा सुंदर है, ये आँखों को जैसे कमल फूल देखो अगर खिला हुआ होगा ना, देख करके आँख खुश हो जाता है, नेत्र खुश हो जाता है। कहते उसी तरह कहते हमारी आँखों को कृष्ण को दर्शन करने पर क्या होता है, कृष्ण को एकदम नेत्र एकदम है एकदम आँख प्रसन्न हो जाती है। इसलिए भागवत में बताए बराहिते ते नयने हैं, कहते अगर इन्हीं आँखों से अगर प्रभु का दर्शन नहीं किया जाए तो कहते भैया मोर पंख में भी क्या आँख नहीं है, मोर पंख में भी आँख सुंदर सुंदर आँख है। कहते अगर इन नेत्रों से कृष्ण दर्शन नहीं हो तो कहते आँख नहीं वो पाँख है, हैं ये आँख नहीं ये पाँख है। जिन्नी नयन लोचन कर देखा मयूर पंख, गोस्वामी जी कहते हैं जिन नेत्रों से हम भगवान को दर्शन नहीं करते हैं वो आँख मयूर पंख कर लेखा, मयूर पंख के सदृश ये बराबर है। इसलिए ये आँखों को पूर्ण रूप में आनंद, कहते आँखों का सार्थकता क्या है, अखनो मिदम फल अखनो
बोलो अखना अखना अखन थाम फल विदम नपार विदाम। इसलिए गोपियां कहती है, राधा रानी क्या कहती है, कहते अखनो इदम फलम इदम, ये आंखों का फल क्या है, ये आंख पाने का लाभ क्या है। कहते इसका लाभ है जब हम कृष्ण को दर्शन करें, वेणु जुष्टम, जब हम श्री कृष्ण को दर्शन करें। बोले केवल कृष्ण नहीं, उनको पीछे श्री बलदेव प्रभु दर्शन करें। बोले बलदेव प्रभु को नहीं, जब इन्हीं आंखों से श्री जुगल सरकार की दर्शन करे, तभी ये आंखों की पूर्ण सार्थकता है। इसलिए यहाँ पर भगवान के सारे अंग को किसको साथ में, कमल को साथ में उदाहरण देते हैं। इसलिए यहाँ पर कुंती मैया कुंती कहते, बोले प्रभु आप तो देवों की वसुदेव को एक बार ही विपत्ति से उद्धार किया, जेल से आप उनको उद्धार किया, जेल से निकाले, लेकिन आप तो हमको कितना बार अपने हमें विपत्ति से उधारे, कितने बार हमें विपत्ति से उधारे, उनको तो केवल एक विपत्ति से उधार किए हो। बोले कौन सा विपत्ति से उधारे, बोले विषात महाग्नि पुरुषा अदर्शनात् असत सभाया बनवाच कृच्छम मृधे मृदनेक महारथस्तत्र द्रोणस्तत्रश्चास्म हरे भी रक्षिता। बोले कितने विपत्तियों से, एक एक पूरा इसमें उन्होंने पूरा घिणा दिया, कितने विपत्ति से उद्धार किया। बोले विषात महाग्नि, जब जब श्री भीम को है, वो तो बड़ा मोटा छोटा था ना, मोटा छोटा था, इसलिए देखा इसका अंदर सारा बहुत सारे बल है, हो सकता बड़े बन करके हम पछाड़ेगा, इसलिए काम करना रहेगा बाँस नवजी बसुरी। और उसको खीर खाने का बड़ा लोभ है, हैं अंधकार में खीर खाता था। बोले तो अंधकार में कैसे खीर खा रहे हो, अंधकार से कैसे खीर। बोले एक काम करो, बस लड्डू में विष मिला करके उसको खिला करके उसको क्या करो, फेंक दो पानी में। उन्होंने लड्डू में विष मिलाया और पानी में फेंक दिया। पानी में जो फेंक दिया, कृष्ण ये भीम पानी में जा करके नीचे चलते चलते, जब नीचे चला गया विष खा करके, वहाँ नाग कन्या थी, और भीम तो देखने में मोटा छोटा, देखने में बड़े बलवान सुंदर एकदम सुंगट शरीर, मैया कुंती की बेटा है, हैं पवन कुमार है, इतनी सुंदर, इतने सुंदर था वो। जो नाग कन्या थी ना, देख करके एकदम मुग्ध हो गई, क्या सुंदर पुरुष है, देखा लगता है कोई जहर इसको शरीर में। नाग कन्या ने क्या, किसको पकड़ कर जहर ले लेती है ना, पूरा सांप ने जहर लेती, उन्होंने पूरा जहर को उन्हें शोषण कर ली। इतने में भीमसेन को एकदम चेतना आई, जब चेतना आई तो उनने पूछा, भैया तुम कौन है। बोले मैं तो मैया कुंती का बेटा हूँ। बोले तो हमारे परिवार के लगते हैं, हैं कुंती नाग कन्या ही कुंती थी, नाग कन्या कुंती थी। बोले तो हमारी बेटी है, उनका बेटा तुम हो। बोले हाँ। इतने में बोले काम करो, ये कुंड में अमृत है, पूरा पी लो। है भीमसेन ने, हाँ भीमसेन ने पूरा कुंड का जो अमृत था, सारे अमृत को उन्होंने पी लिया। बोले तेरे अंदर में 10,000 हाथी का ताकत आ गया है। जब भीम, हाँ वो तो सोच रहे थे मर गया, लेकिन भीम जब 10,000 हाथी का ताकत लेकर के आया, बोले जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी होई। जब वहां से आया उतने मोटे छोटे लंबे चौड़े और ज्यादा, बोले हे भगवान ये क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया। इसलिए कहते विषात महाग्नि, महाग्नि मतलब जिस समय जतु गृह में जब उन्होंने आग लगा दी, लेकिन जहाँ जहाँ इनके ऊपर विपत्ति पड़ी ना, उसे लाभ ही हुआ, कोई हानि नहीं हुआ है, हैं लाभ ही हुआ है। जब जतु गृह में इनको आग लगाई तो उन्होंने क्या किया, सुरंग को दे करके उन्होंने निकले करके द्रौपदी की स्वयंवर सभा हो रही थी। और द्रुपद महाराज का क्या प्रतिज्ञा था, नीचे रहेगा तेल की कढ़ा, ऊपर मछली घूमेगी, उसके नीचे रहेगा चक्र। अभी तेल की कढ़ा में परछाई देख करके उसका जो निशान को आंखों में मारना पड़ेगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं कर पाए वहां पर, लेकिन वहां पर कर्ण भी था, वो धनुष तो कोई उठा ही नहीं पाए, कोई धनुष उठा ही नहीं पाए, लेकिन उठाए तो कौन उठाया, कर्ण ने उठाया था, लेकिन कृष्ण ने इसरा बोल दिया, बोले नहीं मना कर दो। बोले भैया मैं सूत पुत्र को शादी नहीं करता, वो तो भिड़ गया, हाँ सूत पुत्र को शादी नहीं करती हो, दुर्योधन भी बिगड़ गया, सबके सब बिगड़ गए हैं, इधर जो बिगड़ गए। बोले द्रौपदी अगर तुम
सुतो पुत्र से ये नहीं करोगे ना, तुम्हारे हाथ में जो माला ऐसे ही सूखते सूखते रह जाएगी, किसी की गला में नहीं पहन सकते। बोले जो कुछ हो जाए सुतो पुत्र को मैं शादी नहीं करूँगा। बस वहां पर से अर्जुन, हाँ अर्जुन जाकर उन्होंने लक्ष्य भेद किया है। जब लक्ष्य भेद की वहां पर उन्होंने द्रौपदी ने उनको वरमाला दी। इसलिए कहते प्रभु आपने विषाद ने है आप कहते विषाद महाग्नि अपने महा अग्नि से हमें रखा की, और वहां पर द्रौपदी जैसे पत्नी को प्राप्त हुई है। बोले पुरुषात अदर्शनात है कहते असत सभाया, कहते यहाँ कहते असत सभाया, कहते पुरुषात, पुरुषात यहाँ पर कहते हिडम्बाद, जिस समय पंच पांडव ने हैं उन्होंने गुफा में जाकर निकले, जब निकले वहां पर हिडम्बा को साथ में पर शादी हुई है, जिसका बेटा कौन हुआ, घटोत्कच जैसे बेटा हुआ। देखो ये लाभ ही लाभ हुआ, कहीं विपत्ति पड़ी ना, विपत्ति जब बड़ी हिडम्बा से शादी हुई, फिर उससे हुआ घटोत्कच। अगर घटोत्कच नहीं होता ना, उनने जो कर्ण ने अर्जुन के लिए जो एकाग्नि बाण को रखा था, वो जो बाण था इंद्र से उन्होंने लेकर के आया था, इंद्र से लेकर के आया था, कि जब अर्जुन ने उन्हें कवच कुंडल को जब उन्होंने ले लिया, बोले हमें भी कुछ दे कर जाओ, तो उन्होंने एक बाण दिया। सूर्यदेवर पहले बोल दिया था, बोले एक बार ही ये बाण को प्रयोग कर सकते हो, और जिस के लिए मारोगे उसको मारेगा ही, ये इसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन कृष्ण को सारी बात बता है, कृष्ण को सारी बात बता, बस रात में घटोत्कच को भेज दिया, ऐसे घटोत्कच रात में युद्ध करना शुरू कर दिया, एकदम त्राही त्राही मचा दिया, त्राही त्राही सेना में मच गई। अरे ये कहाँ से आ गया, हे भगवान ये कहाँ से आएगा, दुर्योधन को तो एकदम खून खून कर दिया, और जितने गए सबको मार मार करके, इतना बलवान इतना लंबा चौड़ा शरीर, प्यार को नीचे ही कितना सैनिक पीस जाते थे है उसका प्यार को नीचे, इतने में दुर्योधन को इतने घायल कर दिया, इतने कर्ण को बताया अब तुम कुछ करो। बोले तुमको पता है एक बाण मेरे पास में है, वो केवल अर्जुन के लिए रखा नहीं, अर्जुन के लिए रखा मारने के लिए। बोले अर्जुन को तो बाद में मारोगे, अभी तो तुम रक्षा करो है, अर्जुन को तो बाद में मारोगे, अभी तो रक्षा करो है। उन्होंने ऐसे गाली गलौज किया ना कर्ण को, और उन्होंने एकाग्नि बाण उन्होंने मार दिया, लेकिन अर्जुन बच गया, अर्जुन उन्होंने कृष्ण ने अर्जुन को बचा दिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते पुरुषात है, कहते जो हिडम्बा द्वया है, कहते वहां से आपने रखा क्या, बोले असत सभाया, कहते असत सभा मतलब जब शकुनि ने उन्हें जो पासा क्रीड़ा खेलते हुए उन्हें सब कुछ हारते 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 जब सब हार गए, पहले तो उन्होंने सोना चांदी को दाव पर लगाया वो भी चला गया, उसके बाद राज्य लगा दिया वो भी चले गए, उसके बाद भाइयों को लगा दिया वो भी चले गए, उसको बाद में दुर्योधन ने कहा तुम्हारे पास में अभी भी सबसे बड़ा संपत्ति है। बोले कौन, बोले द्रौपदी। बस उन्होंने बाद में आकर द्रौपदी को भी लगा दिया है, द्रौपदी को लगा दिया, तो जब द्रौपदी को हार गए, इतने में दुर्योधन ने कहा अंधा का बेटा अंधा होता है, अभी दिखाता हूँ तेरे को, अंधा का बेटा अंधा होता है हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, बोले जाओ दुशासन द्रौपदी को पकड़ कर खींच कर ले आओ, अभी वो राज रानी नहीं हमारी दासी है, हमारी दासी, चोटी पकड़ करके घिसटते हुए भरी सभा में इसको ले आए, बोले इसको विभस्त्र करके मेरे जंघे के ऊपर बैठा दो हैं, जंघे के ऊपर बैठा दो। इतने में भीम को इतना क्रोध आया, बोले जिस जंघे के ऊपर तू पांचाली को बैठाना चाहते हो घोर युद्ध में, ये गदा में तेरे जंघा तोड़ूंगा, जिस हाथ तुमने द्रौपदी के केस को पकड़े उसी हाथ को उखाड़ करके फेंक दूंगा है, उखाड़ करके मैं तेरे को छाती फाड़ दूंगा। उनने घोर प्रतिज्ञा की, ये सब कृष्ण करवाया है, क्यों नहीं तो महाभारत युद्ध नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहते यहाँ पर कहते हैं कत असत सभायाम, ये असत सभा में है, असत सभा से जिस समय द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, वस्त्र हरण होते समय वो आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी, मेरे पांच पांच पति है कोई तो कुछ बोलेगा, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध और तलवार युद्ध में इनकी बराबर जगत में कोई नहीं था,
आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी, कोई भी बचाने नहीं आए, कोई भी बचाने नहीं आए। फिर सोचा यहाँ पर हमारे गुरु वर्ग बैठे हुए, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य यहाँ पर है, कहती यहाँ पर श्री धृतराष्ट्र मैं कुलबद्ध हूँ, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाए। इसलिए लास्ट में ये कौन द्रौपदी अपना बेटी उत्तरा को ये बात बोली, बोले उत्तरे ये मेरी जीवन की अनुभूति की बात है, मेरी जीवन में आज मेरे जीवन में मैंने अनुभूति एक चीज को की। बोले क्या की? बोले जगत में किसी को ऊपर निर्भर मत करो, किसी को ऊपर निर्भर करो हैं। मेरे पांच पांच पति जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा, लेकिन जब विपत्ति का समय में कोई काम में नहीं आए, इसलिए काम में तो केवल मुरली वाले आने वाले और कोई आने वाले नहीं। इसलिए सबका भरसा छोड़, सबका भरसा को छोड़ करके बस एक मुरली वाले को, बाकी बिहारी को स्मरण कर, उसकी शरण में जा, वही केवल रक्षा करने वाले, जगत में कोई काम में अंतिम समय में नहीं आने वाले। लेकिन हम बड़े डीक हाँकते, हमारे पास में ये है, हमारे पास में वो है, हमारे पास में ये ताकत, काम में असली समय में कोई भी काम में आने वाले नहीं हैं। इसलिए जब उन्होंने हे गोविंद राख शरण अब तीवन हरी, जब दोनों भुजा को उठाते हुए हे कृष्ण तेरे सिवाय जगत में और मेरे कोई नहीं है, कृष्ण स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट होते हैं। कि 10,000 हैं हाथी कद बल घटो घटो ना 10 गज साड़ी हैं, 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गया लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुआ। दुनिया देख रहे थे साड़ी बीच कोई नारी ना, नारी एक साड़ी बन गई, नारी एक साड़ी बन गई, सारा दुनिया देख रहे थे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले प्रभु कद असत सभायाम वनवास कृच्छत। इसलिए उसको पास में उसको बाद में क्या किया, बोले जब हम वनवास में थे कितने हमारे ऊपर में कितने विपत्ति आई हैं, कितने विपत्ति हमारे ऊपर आई, दुर्वासा स्वयं हैं वहां पर, दुर्वासा स्वयं आ गए। ये दुर्वासा जी एक समय दुर्योधन को घर में गए, दुर्योधन तो दुष्ट, सोचा ये बाबा तो क्षण तुष्ट क्षण रुष्ट, तुष्ट रुष्ट क्षण क्षण, ये थोड़ी थोड़ी बात में खुश, थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाते हैं। इसलिए एक काम करो, इनको खिला पिला कर खुश कर दो, जब ये प्रसन्न हो जाएंगे ना, इनको फिर भेज देंगे पंच पांडवों के पास में। अभी तो राजकोष में कुछ है ही नहीं, लेकिन उनको पता है द्रौपदी को पास में सूर्य का दिया हुआ एक पात्र है, अक्षय पात्र है, वो जब तक वो द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक दुनिया को खिला देगी। लेकिन जब एक बार द्रौपदी भोजन कर लेगी, एक दिन में एक बार भोजन करेगी, फिर वो किसको खिला नहीं सकती। वो गुप्तचरों के द्वारा संवाद ले रहे थे द्रौपदी कब भोजन करके पात्र को धो धा कर रख देती है हैं। इतने में जब दुर्वासा जी भोजन करके खुश हो गए, बोले बेटा भर मांगो, बोले जैसे हम लोगों पर में कृपा की, हमारे भैया लोग भी काम्यवन में अभी भजन काम्यवन में रुके हुए, आप उनको पास में भी जाओ, उनको भी आशीर्वाद करो। बस पहुंच गया, कौन पहुंच गए? दुर्वासा। देख करके तो युधिष्ठिर महाराज कांप उठे, बोले दुर्वासा नहीं, ये तो साक्षात काल आ गई, ये काल है, क्योंकि थोड़ी में खुश हो थोड़ी में रुष्ट है, तुष्ट रुष्ट क्षण क्षण, इसलिए क्षण क्षण में तुष्ट रुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर तो राजकोष है ही नहीं, बना कर खिला दे, और 10,000 शिष्य को लेकर के आए। इतने बोले भीम जल्दी जल्दी जा द्रौपदी को पास में, पूछो उसने क्या भोजन कर ली। द्रौपदी बोली पहले तो मैंने आपको खिला करके, सारे ऋषि मुनियों को खिला करके, बाद में मैं खाती हूँ, और खा करके पात्र को धो धा कर पलट कर रख दिया। बोले द्रौपदी आज सर्वनाश हो गया, ये 10,000 शिष्य लेकर के आए, लगता है आज हमारे अंतिम दिन ही। बोले एक काम करो, दुर्वासा जी की बोले जाओ स्नान करके आओ, और हम भोजन का व्यवस्था करते हैं। अभी वो गए स्नान करने के लिए, पांच पांडव द्रौपदी बैठी गई। बोले द्रौपदी कृष्ण यद्यपि हम सबको प्रेम करते हैं, लेकिन तेरे को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि तेरे को सखी बोल करके कृष्ण संबोधन करते, कृष्ण का तू सखी हो, इसलिए तेरे बात को कभी कृष्ण टालते नहीं। इसलिए एक काम करो, ये विपत्ति अवस्था में कृष्ण का स्मरण करो। बास द्रौपदी आंख बंद करके बैठी गई, कृष्ण का स्मरण करने लगे। हे प्रभु, हे पतित पावन, हे भक्तों को त्राण करने वाले, हे दीनबंधु,
तुम तो भक्त वत्सल हो, तुमने प्रतिज्ञा किया ना मैं भक्ता परनश्यति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं, मैं तो मेरे लिए चिंता करती नहीं, ये जो पांडव तेरे ही भक्त हैं, अभी तुम्हारी भक्तों के ऊपर में बड़ा विपत्ति आई, इसलिए कृष्ण तुम रक्षा करो। बस इतना बोलते ही कहाँ द्वारका और कहाँ काम्य बने, ये काम्य बने की बात है, और द्वारका कितना दूर है, कितना दूर है। उसी समय में रुक्मिणी छापान भोग छत्रिस व्यंजन थाला में लेकर के कृष्ण को सामने अभी उन्होंने रखा, कृष्ण भोजन करने जा रहे थे, इतने में द्रौपदी का जो आवाज कृष्ण को कान में टकराया, हे कृष्ण का कान खड़े हो गया, वो आया हुआ जो थाला को ना उन्हें खिसक दिया। रुक्मिणी बोली प्रभु भोजन करो, बोले आज मेरे भक्तों के घर में भोजन करूंगा, सखी द्रौपदी के घर में भोजन करके मेरे को जल्दी जल्दी जाना, मेरे भक्तों पर बड़ी विपत्ति पड़ी है। बोले ठाकुर जी अगर सामने आया हुआ भोजन को त्याग करके जाओगे ना कहीं भोजन नहीं मिलेगा। हाँ क्या पंगत को छूटो, क्या एक कोई शब्द है, हैं इसलिए आया हुआ भोजन को नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ भोजन करके जाओ। बोले मेरे पास में समय नहीं, अभी जल्दी जल्दी जाना, मेरे भक्तों पर बड़ी विपत्ति है। इतने में कृष्ण एकदम मन की गति से कृष्ण सीधा काम्य वन में आए, और द्रौपदी आंख बंद करके भगवान को स्मरण कर रही थी, इतने में आवाज आई पांचाली द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी। बोली कृष्ण का आवाज कहाँ, कृष्ण तो भी द्वारका में, यहाँ कृष्ण कैसे आ गए। अरे आंख खोल करके देखा जिनको स्मरण कर रहे थे वही सामने खड़े हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की हैं। इतने में कितना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं, द्रौपदी जैसे बुलाओ ठाकुर जी जरूर आएंगे। जब द्रौपदी देखा कृष्ण आ गए ना, बोले भैया कोई चिंता की बात नहीं, कृष्ण आ गए ना सब विपत्ति टल गई है, हैं क्योंकि विपद कारण भगवान है। इतने में कृष्ण बोले द्रौपदी द्रौपदी मैंने परसा हुआ थाला को छोड़ कर आया हूँ, मेरे को बहुत तेज भूख लग रहा हूँ, थोड़ा भोजन की व्यवस्था करो। बोले प्रभु आपको पता है जब तक मैं नहीं खाती हूँ दुनिया को खिला सकती हूँ, मैं खाने के बाद किसको खिला नहीं सकती। अभी दुर्वासा जी 10,000 शिष्य लेकर के आए हैं, अभी उनको खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं, इसलिए स्मरण किया। बोले द्रौपदी तुम्हारे घर में पहले आएगा तो पहला कर्तव्य क्या, उनको खिलाओ पिलाओ, फिर कोई दुख फिर बताओ। तुम घर में घुसते ही क्या कर रहे हो, हैं घर में ये विपत्ति, पहले तो खाना खिलाओ, मैं तो खाना छोड़ करके आया हूँ। बोले मैं तो धो धा कर बटलो ही रख दिया। बोले लेकर के आओ तो सही, ठाकुर जी की माया है। देखा एक अन्न का दाना उसमें, बोले एक गिलास पानी ले आओ। हे कृष्ण एक किणी का चावल एक गिलास पानी पी करके कृष्ण बोले अगर मेरा नाम कौन है विश्वम्भर है, मैं तृप्त हो गया हूँ, विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो जाए। हे कृष्ण डकार उठाए, डकार जब तोले, इतने में जितने सब ऋषि मुनि लोग सब स्नान कर रहे थे, कहाँ पर विमला कुंड में नहा रहे थे, उन्होंने देखा उनका पेट इतना बड़ा बड़ा हो गया सब, हाँ जैसे एकदम रसगुल्ला लेडी की चमचम राबड़ी रसमलाई जैसे खाए चरब चुस्य लज्ज पियो, और इतना पेट बड़ा बड़ा हो गया ना डकरा के ऊपर डकरा आ रहा था। बोले भैया हजमोला खाने का भी हिम्मत नहीं, हाँ हजमोला खाने का भी हिम्मत नहीं। इतने में एक दूसरे को देखने लग गए, बोले भैया क्या बात है, हम तो कुछ भोजन किया ही नहीं, इतना बड़ा पेट फिर इतने बड़े बड़े क्यों हो गया, एक दूसरे को देख रहे थे। इतने में कृष्ण भीम बोले भीम जाओ सबको बुला करके ले आओ। बोले प्रभु ये काल को नवता क्यों दे रहे हो, ये काल है नवता इनको क्यों दे रहे हो। बोले चिंता मत करो गदा लेकर के जाओ। हे भीमसेन गदा लेकर के आ रहे, जब गदा भीमसेन को देखा दूर से गदा लेकर के आ रहा है, बोले हे भगवान जरूर ये तो भोजन की कुछ व्यवस्था किए होंगे, लेकिन पेट ऐसे भरा हुआ हजमोला खाने का भी हिम्मत नहीं है, अभी अगर नहीं खा पाए ना एक गदा का एक भीम का गदा एक नीचे नहीं से पेट में गिरेगा, इसलिए भैया भागो यहाँ से। वहाँ भाग नहीं पा रहे थे, पेट इतना बड़ा बड़ा हो गया था भाग नहीं पा रहे थे, हैं बड़े। और जब सबके सब जब भीमसेन वहां पर आया ना, देखा मैदान खाली है, कोई एक है नहीं, और जाते समय दुर्वासा आशीर्वाद देकर गए, बोले जाओ तुम्हारे शत्रु का विनाश हो जाए। उन्होंने उल्टा उल्टा उन्होंने वरदान देकर गए, हैं उनको वरदान दिया जाए तुम्हारे शत्रु का विनाश हो जाए। उसने भेजा था कहते ना जाकर आके साया मार सकना कोई,
इसलिए जहाँ पर कृपा हरि की हो तहाँ पर कृपा करे सब कोई करे, इसलिए आशीर्वाद देकर गए, समझ गए भैया ये कृष्ण का ही माया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले वनवास कृच्छत मृद्धे मृद्धे नेक महा रथस्तत्र द्रोणस्तत्र चास्मी हरि रक्षितम। बोले और कहाँ कहाँ उन्होंने रक्षा किया है, बोले बारम्बार हमें कद भीष्मा दिनम हैं, कद यहाँ पर मृद्रोणस्तत्र भीष्मा हरे भी रखित भीष्म, उन्होंने भीष्म से रक्षा किया है, भीष्म की जो बाण है ना अचूक बाण है, उनका इच्छा मृत्यु थी, वो थोड़ी मरने वाले भीष्म है, उनका इच्छा मृत्यु, जब तक उनका हाथ में अस्त्र है ना दुनिया में कोई उनको मार नहीं सके। और उसको बाद मतलब भीष्म और कौन है, कहते श्री द्रोणाचार्य हैं, भीष्म और द्रोणा द्रोणस्तत्र चास्म हरे भी रखी तो द्रोणाचार्य उनका गुरु है, जब तक उनका हाथ में दोनों का हाथ में धनुष है पृथ्वी में कोई जन्म नहीं लिया, उनको कहीं मार सकते हैं कोई मार नहीं सकते, लेकिन कहते इनसे भी आपने रक्षा किया है, हाँ इनसे भी आपने रक्षा किया है, इनसे भी, इसलिए हम कितने सारे विपत्तियों में हैं, और उस और किससे रक्षा किया, बोले अस्वस्थमा से भी, अपने अस्वस्थमा से भी हमको रक्षा किया, अस्वस्थमा भी ये भी इसका भी अमर वर मिला हुआ है, ये भी मरने वाले नहीं। इसलिए प्रभु आप कितने सारे विपत्तियों से हमें बारह सर्वत रूप में आपने हम लोगों को रक्षा किया है। इसलिए जब उन्होंने बारंबार स्तुति कर रहे थे हैं, स्तुति कर रहे थे, बोले प्रभु बोले जन्म ऐश्वर्य जसुरत श्री भी हरे दमान मद पुमान नैवारत भी धातु बई त्वाम अकिंचन गोचरम। कहते प्रभु जिसको पास में चार चीज रहेगा तेरा भजन नहीं करेगा, उच्चा कुल में जन्म लेने पर, ऐश्वर्य ज्यादा होने पर, और श्रुत ज्यादा विद्वानता होने पर, श्री मतलब चमड़ा थोड़ा सुंदर होने पर, ये चार व्यक्ति तेरा भजन नहीं करेंगे। इसलिए इसलिए तुम कौन, बल अकिंचन गोचरम, इसलिए तुम जो अकिंचन, अकिंचन मतलब होता है ये संसार की जिसको पास में जगत का किसी कोई संपत्ति नहीं हो, हैं मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब हमारे जब जितने पंच पांडव ये तो बड़े धनी थे, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज अम्बरीश ये भी तो बड़े धनी ना, ये यहाँ जो अकिंचन विश्वनाथ चक्रधर कहते हैं, अकिंचन मतलब होता है जो लोग हैं कहते जिसको पास में ये धन संपत्ति तो हो लेकिन पास जिसको पास में किसी तरह कोई अहंकार नहीं हो, अभिमान नहीं हो जिसको पास में हैं, लेकिन जिसको पास में परमार्थ धन हो, जिसको पास में परमार्थ, जिसको पास में धन हो, केवल आपको आप कहते अकिंचन गोचरी अकिंचन का, इसलिए नम अकिंचन बिताय निवृत गुणवृत, नम अकिंचन बिताय, बोले किसको तुम धन हो, बोले अकिंचन का ही तुम धन हो, और अकिंचन लोग ही ज्यादा करके तेरे को भजन करते, जिसका संसार का कोई वस्तु जिसको पास में नहीं हो, जिसको पास में केवल कृष्ण धन हो। और दूसरी चीज है कभी कभी ये जड़ वस्तु ज्यादा हो ना, कभी कभी अभिमान आ जाता है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी हैं, इसलिए कभी कभी ज्यादा पैसा हो जाए, जगत का ज्यादा पैसा, ये साधन अवस्था में कभी कभी ये भी भजन की विरोध है। इसलिए हम आगे सुनेंगे, इसलिए उनको कली को कहाँ पर स्थान दिया, जहाँ सुवर्ण वहीं पर स्थान दिया, जहाँ ज्यादा पैसा वहीं पर स्थान दिया, जहाँ पर ज्यादा पैसा है वहीं पर ही ज्यादा, जो चार तरह का बताया, दुतम पानम स्त्रियम सोना, जुआ खेलना, शराब पान करना, अवैध रूप में स्त्री संग करना, वेश्या घर गमन करना, और जिसको पास में ज्यादा पैसा, जन्म नहीं, दुतम पानम स्त्रियम सोना, सोना मतलब जीव हिंसा है, जहां पर जीव हिंसा कली को उन्होंने, वहीं पर कली को उन्होंने स्थान दिया है। इसलिए यहाँ पर कहते प्रभु जब उन्होंने भगवान की सुंदर सुंदर भगवान को स्तुति कर रही थी, उस समय भगवान ने बोला बुआ जी आप तो उल्टा गंगा बहा रहे हो, इसलिए जो इच्छा मांग लो। तो उन्होंने क्या मांगे, बोला विपद संतु ने साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु, मेरे झोली में तो विपद ही भर दो, क्योंकि कहते हाँ कहते कहते सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए, इस दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरण करे दुख काहे को आए। इसलिए प्रभु मेरे को झोली में अब दुख ही भर दो,
लेकिन सारा दुनिया भगवान से क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदी। लेकिन यहाँ पर कुंती क्या कह रहे, बोले प्रभु हमें झोली में विपत्ति भर दो। तो भगवान बोले विपत्ति क्यों मांगते हो, संपत्ति दुनिया मांगते। बोले प्रभु संपत्ति से तेरे को भूल जाएंगे। इसका प्रमाण देखो, हम जब जब वनवास में हम थे, जब जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आई तब तक आपने रक्षा किया। अभी संपत्ति आती है जा रहे हो, हाँ विपत्ति में हमारे साथ में थे। अब सचमुच से देखो किस समय ज़्यादा भगवान को स्मरण करते हैं लोग, जब विपत्ति आए ठाकुर जी रक्षा करो, ठाकुर जी रक्षा करो। अरे संपत्ति आ जाए ना, देखना जिसके पास ज़्यादा पैसा हो वो भक्ति ज़्यादा करके नहीं करते। उनका स्थान है जहाँ पर जुआ जुआ हो, जहाँ पर उल्टा पुल्टा जितना काम हो ना, देखना वो जितने पैसे वाले लोग वहीं पर उनको देखो अड्डा खाना वहीं पर है। ठीक है, हाँ आरती शुरू कर दो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ बंद कर दो।